अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने भांजे के ऑफिस आई हूँ पाकिस्तान में। ये देखें, आरजे मॉल जो है उसके अंदर इनके 3 फ्लोर्स जो हैं वो इनके हैं, ऑफिसेस वगैरह के। और फिर मैंने अपनी होने वाली बहू के साथ वहाँ बैठ के चाय पी, जो कि अब बहू हो गई है, उनकी अभी शादी हुई है। और फिर मुझे फॉर्म भी सारा पड़ाया, जो ये फॉर्म था बुकिंग का, तो ये फॉर्म है, अगर आप शॉट लेना चाहें तो उसका ले लें स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑफिस वग़ैरह बहुत अच्छे प्राइसेस में हैं। और यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, ये मेरा भांजा, यहाँ बैठता है, और अब्दुल्ला भी यहाँ बैठता है, उसका छोटा भाई। तो आप लोग ज़रूर जाएँ और यहाँ से इनसे हेल्प लें, और ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और फिर उसने मुझे सारा अपना ऑफिस दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ, चलें देखें। अच्छा, हमने इधर अंदर जो है शॉपिफाई वगैरह का हुआ है, दो शॉप्स है छोटी छोटी, ये 60-70 हज़ार रुपये रेंट पे आराम से चले जाते। अच्छा, 60-70 हज़ार में नहीं, ये दोनों शॉप 113-113 स्क्वायर फीट है। 70 लाख रुपये की दुकान है, 70 हज़ार रुपये रेंट, 800 स्क्वायर फीट है, 3.5 लाख रुपये में दी। 3.5 लाख पाकिस्तान में सबसे बड़ी लेबर है, यूएस वाले जितने भी है ना, वो सारी वर्किंग यहाँ पे करवा रहे हैं, उनको बहुत सस्ती पड़ जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है। के लड़के हैं, टैलेंटेड, काम सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, तो तनख्वाह उनको कम पड़ती है। ये बात जा रहा है आज न्यूज़ पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट आज एंकर, अरे ये तो वो एंकर है, इसके शो आते थे, इसको 2 लाख रुपए रेंट पे दिया था ये वाला। अच्छा, आ जा आ जा बड़े बाबा, हां ये तो शो करते थे ना। पार्टी का बचता 24 हज़ार। अच्छा, 24 क्लासेस होती है सारी, अमेज़न की कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, बड़ा बेहतरीन, मतलब माशाल्लाह सभी भाई क्लास में। ये पूरा बनाया हुआ है। आजकल डाउन, आजकल हम लोग मतलब ये होता है कि ऑफर आती है ना, तो फिर बोलते हैं कि दे दो यार, अभी फिलहाल क्लाइंट का क्लाइंट है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है बाकी के। अभी ऑफर है, ये इनका ऑफर चल रहा है, अगर ये अमेजोन का काम चल रहा है, ये इन्होंने लिया हुआ है बस ऑफिस। आ जा मोबाइल क्लब, ये छोटा ऑफिस है, यहाँ पे इतने से 20 लाख रुपये, इसका आराम से 20-25 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है। अच्छा खाने पीने के लिए थोड़ा ये कि फूड कोर्ट में जो भी है मीटिंग वगैरह करनी है। अच्छा, ये पहले ये मुझे आपको बता रहे 20 साहब होने को फिल आउट किया, मैं रेंट पे दिया हूं 3.5 लाख रुपए। अच्छा, अभी ये कितने लाख रुपए बैठे ना, देता 2.5 लाख रुपए पार्टी को मिलते हैं। अच्छा, पूरा मतलब रेंटल ही है, पूरा रेंटल, सारा रेंटल। अच्छा, ये रेडी हो रहा है। अच्छा, ये अभी रेंट पे दिया है पूरा का पूरा ना, अब रेडी करके दोगे? अभी रेडी कर, रेडी हो रहा है, वो खुद ही रेडी कर रहा है। अच्छा, वो खुद ही कर रहा है अपने स्टाइल से, जो भी अपने स्टाइल से। तो बैलून लगे हुए हैं यहां, तो अभी ओपन हुआ है, इसकी इनॉग्रेशन हुई है अभी। ये पूरा पालो कार्ड का फ्रंट ऑफिस है, ये पूरा इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह रेंट पे दिया है, अपना पूरा अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये सारा मैनेज कौन करते हो? रेंट वाला, हम समझ ले, हम रेंट पे चढ़ाते हैं, हां रेंट पे, और सेल आउट करते हैं, मैनेजमेंट तो ये लोग करते हैं। अच्छा, सारा रेंटमेंट लेना, रेंट सब इधर आता है, रिकवरी जैसी होती है, रिकवरी, ये मैंने तो अपने सब रिकवरी करते हैं, ये भी रेंट पे चढ़ा हुआ है। अभी ये दुकान समझ लें, अब हम बताएं किसका सेल करता है, ये 50,000 रेंट आ रहा है पार्टी को। हाँ, अब हम बोलेंगे भाई 50,000 रेंट आ रहा है आपको, अगर आपको रेंट पे देना तो रेंट भी रखे रहो, हर महीने 50,000 मिलता रहेगा, वरना आप खुद पोजेशन नहीं तो खुद दे रहे हो। अब इसकी प्राइस जो है, जिस तरह अभी इस वक्त तो 90 लाख रुपये इसकी प्राइस चल रही है। अच्छा, अब हम अभी इस वक्त जिस तरह के हालात है, उसमें 10-15 लाख रुपए का ऊपर नीचे कर लेते हो, क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से प्रॉपर्टी ऐसे है ना, डाउन हुई हुई है प्रॉपर्टी सारी ना, भला अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अल्लाह का लाख का शुक्र है, इस वक्त भी इस हालात में भी
ऊपर का नहीं, मुझे अपने वो काफी माल अच्छा लगा है कि मतलब एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, सिटिंग एरियाज वेटिंग बने हुए हैं, बड़ा अच्छा बेड भी जाए, कोई मीटिंग करना हो तो मीटिंग कर ले। अच्छा बर्थडे हो गया, मैं आपको शो कर रहा हूं, अच्छा नहीं था बर्थडे, लोगों ने लेना था। अच्छा ऑफिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, बड़े बनाता नहीं ऑफिस, ऑफिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास ऐसे पीछे क्लाइंट लगे होते हैं, रेंटल एक दुकान खाली नहीं होती कि दूसरी चढ़ जाएंगे आप। ये 2000 स्क्वायर फीट का बेचा है मैंने पास। अच्छा पीछे रेंट पे थी, उसको ऊपर लिया है, शीशे लग जाएंगे बड़े में, ये पूरा ऑफिस पीछे। ये देखें यहाँ से पूरे गुलिस्तान चौर का व्यू हो और आगे फिर एयरपोर्ट भी नजर आता है। ये मतलब एक ही ऑफिस है पूरा, पूरा एक अलग अलग है, लेकिन पार्टी ने पूरा एक पूरा ले लिया। अच्छा व्यू की वजह से सही, इतना अच्छा मिला, क्या जरूरत है बेचने की। वो कहते हैं अंडे खाओ मुर्गी क्यों बेचो। मेरी बात सारी है 28 साल में एक ऑफिस रेंट पे चढ़ा हुआ है, साल के हिसाब से लगा 2 करोड़ रुपए से ऊपर साल में अर्निंग है पे आता है, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होता है उसमें। हमें तो डिफरेंट टाइम चढ़ाने का फायदा है। अच्छा वो जो कमीशन मिलता है हमें, इसको फायदा नहीं है, इसको बिल्डर को फायदा। अच्छा यहाँ पे क्या कमीशन रेट है जैसे अगर आप हाँ या सेल बड़ी भी यहाँ पर जो है ना सुनिए, अगर आप सेल कर दो ना हाँ। सेल के ऊपर जो है आपको 2% और रेंट के ऊपर आपको 1%, मतलब जो रेंट पर जो पहला जो रेंट पहला रेंट पहला आपको हाँ वो इधर से भी मिलता है वो ऑनलाइन से भी मिलता है। अच्छा ये देखें बहुत ही बड़ा एरिया इनके पास है और सारे ऑफिस हैं 3 फ्लोर तक, तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ज़रूर जाएं और करें। और ये लोग जो हैं उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको रेंटल भी प्रोवाइड करके देते हैं, सारी कुछ मैनेजमेंट इनके हाथ में है। और ये देखें ये भी एक बहुत बड़ा ऑफिस है, जो 4-5 ऑफिस को मिला के इन्होंने बड़ा ऑफिस एक बनाया है, जिसने भी लिया था। और यहाँ पर सब अमेरिका का ऑफिस के काम होते हैं यहाँ पर। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ऑफिस है, कैफे टाइप ना, कैफे भी अपना हर चीज प्रॉपर, बहुत जबरदस्त। ये वॉलमार्ट तो सारी सर्विसेज ये देते हैं। अच्छा अमेरिका के वॉलमार्ट है, अमेरिका के, ये सारा अमेरिका अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अमेरिका के अंदर 90% जो ऑफिस वर्क है ना वो पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी वजह ये इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर सैलरीज कम है, बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं और ये यहाँ वाले लोग उस तनख्वाह में भी खुश हैं, वहाँ वाले उसमें भी खुश नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा बहुत टाइम लगता है वहाँ पर, प्रॉपर्टी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है यूएस में, 50,000 की क्रेडिबिलिटी है, $50,000 तक आप उसमें आराम से इनाउ कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी घोड़े हैं ना, अब उनको ये पता चल गया है कि सबसे सस्ता काम पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान में खुली है। वही जैन भी बता रहा था कि सारे करते हैं मगर इंडिया से काम, इंडिया में हो रहा है कहीं काम की जगह पे काम। अगर आपकी कोई रेजिडेंटल जगह है ना, अगर आपने कोई रेजिडेंटल फ्लैट लिया हुआ जो कि रेंट की नियम से लिया हुआ है, तो रेजिडेंटल से बहुत बेस्ट है कमर्शियल शॉप, कमर्शियल, क्योंकि इसमें जो आपको क्लाइंट होता है ना वो कोऑपरेटिव क्लाइंट है, उसको घर वाला क्लाइंट, उसको भी अपना काम चलाना है, उसने भी अपना काम चलाना है। सबसे बड़ी चीज में आपको ब्रोकर का नहीं कुछ होता ना, ब्रोकर ब्रोकर अपनी चाल करते हैं, हर 6 महीने में अपना रेंटल भगा देते हैं, फिर दूसरा रेंटल लेके आता है कमीशन होता है और रेंट पे रुला रहा होता है, आखिर में वो ब्रोकर ही कर रहा होता है सारा कुछ, इसमें आपको ब्रोकर की भी जरूरत नहीं है। आपके एक दफा हो गया, आपके डायरेक्ट क्लाइंट से आपको इंटरेक्शन करा दिया, वो मंथ एंड में आपको हर 5 से 10 के दरमियान अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर मार रहा है, तो ये एक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्लाइंट वही हैं जो कि ओवरसीज़,
और फिर ये कि आपको दुकान खाली देनी है उसकी मर्जी जैसे बनाए जैसे भी बनाए ओवरसीज है हाँ। तो ओवरसीज क्लाइंट वैसे ही आपका समझ लें कि उसको जो है ना रेंट टाइम पे मिल जाता है वो दादा उसको हो सकून दे हाँ। तो खाली अपने रेंट से मतलब होता है उसको क्या है कि इन्वेस्ट किया हुआ उसका मंथली रेंट प्रॉपर है तो यहाँ पर ये कि 5-10 के दरमियान आपको प्रॉपर रेंट पूरी प्रॉपर्टी का सर्वे करने के बाद बस फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।